नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं प्रतापगढ़ देखने के लिए, बिकॉज मैं आज हूँ पुणे में। तो अभी की सुबह 7 बज चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही है। तो अभी हम सुबह सुबह निकले हैं और लगभग हमें कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे वहां पर पहुंचने के लिए। सो लेट्स सी यू देयर एंड आई होप कि आप ये ब्लॉग एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज है 18 तारीख और कल है शिव जयंती, उससे पहले हम जा रहे हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि प्रतापगढ़ इज वन ऑफ द फोर्ट की जहाँ पर ना शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो आज हम देखने वाले, सो लेट्स गो। तो फाइनली हम प्रतापगढ़ के पास पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर कमान दिख रही है बाहर से, अब हम इससे तरह अंदर जाएंगे। तो पहले हम क्या करने वाले? ऊपर जाएंगे? नहीं, पहले हम जूस पीएंगे। जूस पीना है? हाँ, चलो आई। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यहाँ जैसे एंटर करते हो तो पहले कैप ले लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप है। अगर आप समर में आ रहे हो तो डेफिनेटली कैप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बट यहाँ पर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी। सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोकल मार्केट से ले रहे हो तो डेफिनेटली दैट्स गुड फॉर यू। सो हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है और हमने टूरिस्टी थिंग्स करना शुरू कर दिया है, जैसे कि मैंने कैब खरीद ली, उसमें मम्मी ने दिलाई है मेरे, और चलते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के ऊपर प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगळे इन्होंने किया था। इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कोयना और नीरा नदी के किनारों और पारदर्शी की रक्षा की जाए। का निर्माण 1656 में हुआ था और इसी किले पर शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई थी। अभी फिलहाल हम है झेंडा बुरुज पे, जहाँ पर फ्लैग फड़काया जाता है। तो जस्ट 5 मिनट में हम ऊपर पहुँचेंगे, सो लेट्स गो। अफजल खान पर जीत पाने के बाद मराठा राज्य में बहुत ही खुशहाली थी और प्रतापगढ़ क्षेत्रीय राजधानी बन गई थी। 1818 में तीसरे अग्न मराठा युद्ध में हारने के बाद मराठा सेना को प्रतापगढ़ किले को समर्पित करना पड़ा। Thank you.
प्रतापगढ़ का निर्माण करना एक बहुत ही बड़ा निर्णय था जो कि शिवाजी महाराज ने उस वक्त लिया था और इसका निर्माण मोरोपंत पिंगले ने किया था। ये किला बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंची चोटी पर है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विवेकपूर्ण कदम था क्योंकि 3 साल बाद प्रसिद्ध आदिल शाह जनरल अफजल खान मराठों को नष्ट करने का इरादा लेकर प्रतापगढ़ आया था। में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को फंसाने के प्रयास में सारे मंदिरों को नष्ट करने का निर्णय ले लिया और उसने उस तरह बहुत से मंदिरों को नष्ट करके शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ से नीचे लाने की बहुत कोशिश की। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल हम एक ही बुरुज पे आए हुए हैं। इतना परेशान हो गए, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, पूछो मत, सब कुछ मेल्टिंग है पूरा। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच और पूरा एक्सप्लोर कर पाए। तो मेरे एग्जैक्टली पीछे है वो झंडा गुरु जो हमने अभी देखा है, ये एग्जैक्टली हमारे 4th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के बुक में था वैसा है और हमने पहली बार इसको रियल में देखा। आई एम सो हैप्पी कि कुछ तो है सिमिलर जो हमने स्टडी किया था। इस फोर्ट में जो टेम्पल है उस तरफ जाने के लिए ये एक रास्ता है जो कि अभी फिलहाल बंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बट यही है जो एग्जैक्टली उस माता के मंदिर जाता था। अब हम जाएंगे इस रूट से। शिवाजी महाराज हालांकि अपने भाई का बदला लेने की इच्छा के बावजूद इतने आसानी से तैयारी करके वहां पर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको पता था अफजल खान एक विश्वासघाती है और उनकी सेना हमारी सेना से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए उन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कदम उठाए थे। हालांकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले परंपरा के अनुसार दो नेता एक पहले शांतिपूर्वक समाधान पर चर्चा करते हैं, इसलिए वो दोनों तैयार हो गए मिलने के लिए। अभी हमारा भवानी माता का दर्शन हो चुका है, अब हम जाने वाले हैं हस्तकला संग्रहालय में। जैसे ही आप हस्तकला संग्रहालय में एंटर करते हो तो वहाँ पर ग्राउंड पे ही बहुत सारी अलग अलग चीजें उन्होंने रखी हुई थी जो कि शिवाजी महाराज उस वक्त यूज करते होंगे। तो उनमें से कुछ बहुत बड़े खाने बनाने वाले सारे बर्तन थे और उसी तरह कुछ लड़ाई के अवशेष भी वहाँ पर रखे हुए थे। तो वो हमने पहले बाहर देखे, फिर हमने एंटर किया उस शॉप में तो वहाँ पर हमें दिखा बहुत सारे अलग अलग कलाकृति का संग्रहालय क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनाई हुई थी और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा कम थी क्योंकि हाथों से बनाई हुई चीज़ों की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर आपको बहुत कम दाम में सारी चीज़ें मिल जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था शिवाजी महाराज का स्टैचू, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, सो डेफिनेटली गो एंड चेकआउट। अगर आप प्रतापगढ़ कभी भी जा रहे हो तो एक बार इस प्लेस को विजिट करना क्योंकि ये भवानी माता के टेम्पल के अंदर ही आ जाता है, तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हो और इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो क्योंकि इनमें से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्रिएटिव थी। तो मुझे ये पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया।
अभी हम ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं केदारेश्वर टेम्पल देखने के लिए। वहां पर ही शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, वो भी हम देखेंगे। एंड उसके लिए हमने एक किताब भी खरीदी, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें पता चल रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जगह है जो हम एग्जैक्टली हमारी हिस्ट्री के बुक में हमेशा देखते थे। इस सीन को कोई भी नहीं भूल सकता और आज हम रियल में ये जी रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं वो है केदारेश्वर टेम्पल की जगह, जहाँ से आपको पूरा फोर्ट दिखता है कैसा है। वो आप एक ही जगह से पूरा फोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर मोस्टली शिवाजी महाराज अपने सारे साथियों के साथ बैठक करते थे, तो वो ये जगह है। वो दोनों सेना के बीच में एक तंबू में मिले थे, जहाँ पर अफजल खान शिवाजी महाराज को गले लगा रहे थे। उसी वक्त शिवाजी महाराज को समझ में आया कि अफजल खान उनके साथ विश्वासघात करेगा ही, तो अफजल खान ने एक चाकू निकाला और शिवाजी महाराज के पीठ में मारने की कोशिश की, पर शिवाजी महाराज एक कवच पहनते थे, इस वजह से वो बच गए। शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के ऊपर बाघ नख जैसा एक पंजा बनाया था, जिसके वजह से उन्होंने अफजल खान के पेट के अंदर वो घुसेड़ कर उन्हें मार डाला। तो अभी फिलहाल हमें केदारेश्वर टेंपल के पास एग्जैक्टली ये जो टेंपल है वो किसी ने बनाया नहीं है, पहले से ही है, इसलिए इसे स्वयंभूत कहा जाता है। और बेसिकली ये जो अंदर की मूर्ति है वो 10 लोग भी नहीं उठा पाते, इतनी ज़्यादा लार्ज मूर्ति है। अभी हम जा रहे हैं शिवाजी महाराज का स्टैचू देखने के लिए, जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है प्रतापगढ़ पे, एंड वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। Thank you.
यहाँ पर आपको शूज उतारने पड़ते हैं, बट इसीलिए आप इतनी ज्यादा गर्मी में पैर जल रहे हैं। नमस्ते शिवाजी महाराज। तो ये है दत्त मंदिर एग्जैक्टली शिव मूर्ति के बैक साइड पे आपको ये दिखेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ऐसे कौन से प्लेस आपको देखने हैं प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उन प्लेस को डेफिनेटली विजिट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।